श्री शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद दर्जी बीए बीएड कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्र, आज हम FYBA अनिवार्य हिंदी में हिंदी कहानी साहित्य नई पुरानी में शरणागत वृंदावन लाल वर्मा रचित जो शरणागत कहानी है इसके बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। रज जब कसाई अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था, साथ में सत्री थी और गांठ में दो सौ तीन सौ की बड़ी रकम। मार्ग बिहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफ़ी दूर था, बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था, इसलिए उसने मढ़पुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी की बुखार हो आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज़्यादा पड़ता, इसलिए रजब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पैजामा पहने थी। इसके सिवा गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से करमणी और अकर्मणी ढोर खरीद कर ले जा चुका था। यहाँ शरणागत में वृंदालाल वर्मा ने जब ललितपुर लौट रहा था रजज कसाई अपना रोजगार करके, तब वहाँ सत्री थी, उसके पास सत्री भी थी और गांठ में दो सौ या तीन सौ की बड़ी रकम भी थी और मार्ग बिहड़ हुआ था। सुनसान की जगह जैसी थी। ललितपुर काफ़ी दूर भी था, बसेरा कहीं लेना ही था, इसलिए उसने तो मढ़पुरा नामक गांव में ठहर जाने का निर्णय भी लिया था। उसकी पत्नी को भी बुखार हो गया था। रकम पास में थी, इसलिए बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा उसको एहसास हुआ। इसलिए रजज में उस रात आराम करना ही उसने ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, वह जात छिपाने के लिए काम नहीं चल सकता था, इसलिए उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पैजाम पहने भी थे। इसके सिवा गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से करमणियों और अकर्मणियों ढोर खरीद भी ले जा सकता था। आगे देखें। अपने व्यवहारियों से उनने रात भर के बसेरे के लायक सुथार की याचना की, किसी ने भी मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रजजब को अलग अलग और लुके छुपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबों ने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए थे, जिसका हल बैल कुछ भी न था, लेकिन अपने किसानों से दो तीन साल का पेश की लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसके गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द कैसे पुकारा करते और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द संबोधन करते थे। देखते हैं हम। इसलिए वो जो रात वहाँ ठहरा था, तो जो उसकी पत्नी भी उसके साथ था, उसकी पहचान भी इस गांव में बहुत ज़्यादा थी। रात भर के बसेरे के लायक सुथार की याचना भी की, किसी ने भी उसे मंजूर न किया। उन लोगों ने तो अपने ढोर रजब को अलग अलग लुके छुपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह के खबरें भी फैलती गई, इसलिए सबने इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ आपको ठहरना नहीं है। गांव में एक गरीब ठाकुर भी रहता था। थोड़ी सी जमीन उसके पास थी जिसको किसान जोते हुए थे, जिसका हल बेच
कुछ भी न था, लेकिन अपने किसानों में से 2-3 साल का पेश भी लगान वसूल भी कर लेने का ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना भी नहीं करना पड़ता था। इसलिए छोटा सा मकान था, परंतु उनके गांव वाले गढ़ी के आदर यंजक शब्दों में पुकार करते और ठाकुर को डर के मारे राजा सबद रूप से संबोधन भी करने पड़ते थे। सामंत का मारा रजब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी जवर गरसत पतनी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पोर में बैठा हुक्का पी रहा था। रजज ने बाहर से ही सलाम कर के कहा, दाहूजू एक बिनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रजब ने बोला, दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है, जाड़े में बाहर रहने से न जाने इनकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। देखते हैं हम, लेकिन शाम का वक्त था। रजब इसकी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी जबरदस्त पत्नी को लेकर वहाँ पहुँचा। ठाकुर पोर में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। इसमें रजब ने बाहर से ही ठाकुर को सलाम किया। दाऊ जी एक बिनती है, आपके सामने एक बिनती है, मेरी बिनती स्वीकारिए। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्यों चाहिए आपको, एक बिनती बोलो, क्या है? रजब ने बोला कि दूर से हम आ रहे हैं, बहुत थका हुआ मैं भी हूँ और मेरी पत्नी को भी जोर से बुखार आ गई है, इसलिए आप मुझे एक रात तक यहाँ ठहरने दीजिए, जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर एक कहीं 2 हाथ जगह तो हमको दे दो है। फिर राजा ठाकुर बोलता है, कौन लोग हो आप? ठाकुर ने परेशान किया। हूँ तो कसाई, रजब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? इसलिए ठाकुर के सामने उन्होंने कबूल किया कि मैं तो कसाई हूँ। रजब ने सीधा उत्तर ऐसे ही दे दिया, और लेकिन उसके चेहरे पर बहुत गिड़गिड़ाहट थी कि एक रात भर मुझे ठहरने दीजिए। ठाकुर ने बड़ी आंखों दिखाते हुए बोला कठोर वाणी के साथ कि जानता है ये किसका घर है? यहाँ तक आने की आपने हिम्मत कैसे की? रजब ने आशा भरे स्वर में कहा कि यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हुआ है। रजब बताता है राजा को कि मुझे आशा थी कि इस गांव में एक राजा का घर है, वो आपका घर है, इसलिए मुझे एक शरणागत के लिए मुझे स्वीकार है। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रजब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेश के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रजज ने उत्तर दिया। तो ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तम्बाकू अपनी चिलम से पी लो, अपनी औरत को भीतर कर लो, हमारी पोर के एक कोने में पड़े रहना। जब वह दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा, तुम अब कहाँ ये उठ कर चले जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज, खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसलिए पकाने की जरूरत न पड़ेगी। तुम्हारा नाम? इस
इसलिए इस तरह ठाकुर के सामने वो गिड़गिड़ाते हुए कहा रजब ने कि मुझे सवेरे तक आपकी शरणागत चाहिए, आपके यहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए। तुरंत ठाकुर है आँखों कठोरता गायब होकर जरा से नरम स्वर में बोला कि किसी ने तुमको बसेरे तक रहने का ठिकाना भी नहीं दिया? तो वो रजब बोला कि नहीं महाराज, मुझे किसी ने भी उत्तर भी नहीं दिया और रोकने की इजाज़त भी नहीं दी। बहुत कोशिश की परंतु मेरे खोटे पेश के कारण कोई सीधा ही नहीं हुआ। वह दरवाजे से बाहर ही एक कोने में चिपट कर बैठ गया और पीछे उसकी पत्नी भी कराहती रही, दुख के मारे में कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा कि तुम अपनी चिलम ली हो? तो हाँ सरकार, रजज ने उत्तर भी दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आओ और तम्बाकू अपनी चिलम से पी लो, अपनी औरत को भीतर कर लो, हमारी पोर के एक कोने में पड़े रहना। कि तुम, ठाकुर ने कहा कि तुम मेरे पास आओ और आपकी बीबी आपकी औरत को भीतर जाने दो, एक रात तक यहाँ ठहर लो। तो जब वह दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा कि तुम कब यहाँ से उठ कर चले जाओगे, यहाँ से कब चले जाओगे? तो जवाब मिला कि राजा साहब, अंधेरे में ही महाराज खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसलिए पकाने के लिए ज़रूरत न पड़ेगी। तुम्हारा नाम इस तरह राजा भी बताता है। हाँ तो छात्र और छात्राएं, आज हम शरणागत वृंदावन लाल वर्मा रचित जो कहानी है यहाँ तक रखते हैं, कल हम फिर से पढ़ेंगे। अस्तु।